हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आज ये जीटी वर्सेस आरआर की टीम के बीच में जो ये आईपीएल का 23वां मैच खेला जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये मैच आज शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो इस वेन्यू के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले हम लोग इस मैच से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग यहाँ पे दोनों टीम का रीसेंट फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग जीटी की टीम की बात करें तो जीटी की टीम ने जो अपने लास्ट 5 मैच खेले हैं उसमें से 4 जीते हैं, सिर्फ 1 मैच आ रहा है। वहीं आरआर की टीम का देखेंगे तो आरआर की टीम ने भी जो अपने लास्ट 5 मैच खेले हैं उसमें से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। तो ये रहा दोनों टीम का रीसेंट फॉर्म। अब दोस्तों, हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीम ने अभी तक हेड टू हेड में सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं, जिसमें से 3 के 3 मैच वो गुजरात ने ही जीते हैं। अभी तक आरआर की टीम ने कोई भी मैच नहीं जीता है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख के चल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अब इस सीरीज की बात करें, इस सीरीज में यहाँ पे दोनों टीम का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो यहाँ पे आरआर की टीम ने इस सीरीज में 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारा है। वहीं जीटी की टीम ने भी 4 खेले हैं जिसमें से 3 जीते हैं, 1 हारा है। तो दोनों टीम का यहाँ पे इस सीरीज में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करें इस वेन्यू के बारे में, तो ये वेन्यू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये मैच यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो इस वेन्यू के बारे में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 161 का रहा है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 156 का रहा है। और यहाँ पे दोस्तों, जो टीम टॉस जीतेगी वो मेरे हिसाब से यहाँ पे बैटिंग करने वाली है, तो जो भी होगा वो तो टॉस के बाद हमको पता चल ही जाएगा। वैसे दोस्तों बात करें, जो इस सीरीज में 2 मैच खेले हैं यहाँ पे उल्टा हुआ है, दोनों के दोनों मैच यहाँ पे चेसिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। उसके अलावा वेदर की बात करें, वेदर क्लियर रहने वाला है, यहाँ पे बारिश के कोई चांस है नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करें स्पिन और पेस की, यानी कि किसको यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिलते हैं। तो इस वेन्यू पे दोस्तों जो लास्ट 10 मैच खेले गए हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो यहाँ पे 74 विकेट पेसर को मिले हैं, 37 विकेट स्पिनर को मिले हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो इस वेन्यू पे पेसर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी टीम बनाना। अब दोस्तों, यहाँ पे जो रीसेंट मैच खेले गए हैं आप उसका यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे पता रहेगा किस तरह का यहाँ पे स्कोर बना है। तो इसी सीरीज में आईपीएल के 2 मैच खेले गए इस वेन्यू पे, अगर आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी रीसेंट में मैच हुआ गुजरात वर्सेज केकेआर की टीम के बीच में, इसमें गुजरात की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया, 204 बनाए, जिसको यहाँ पे केकेआर की टीम ने चेस भी किया 207 बनाकर। उससे पहले सीएसके वर्सेस जीटी के टीम के बीच में एक मैच हुआ जिसमें सीएसके की टीम ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए 178 बनाए, जिसको यहां पे गुजरात की टीम ने चेस किया 182 बनाकर। तो इस सीरीज में जो दोनों मैच खेले गए दोनों के दोनों यहां पे चेसिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। उससे पहले भी यहाँ पर एक इंटरनेशनल का मैच हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इंडिया की टीम ने 234 बनाए हैं पहले बैटिंग करते हुए, जिसको न्यूजीलैंड की टीम चेस नहीं कर पाई है, सिर्फ यहाँ पर 66 रनों पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। तो ये रहा, तो आप यहाँ से देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरह का स्कोर बना है। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपनी टीम क्रिएट करने। तो दोस्तों, जो अभी हम अपनी टीम बनाएंगे वो लास्ट मैच की प्लेइंग 11 के हिसाब से बनाएंगे, बाकी फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी दोनों टीम की वो तो टॉस के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर ही देता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपनी टीम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी टीम क्रिएट करने यहाँ पे विकेट कीपिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पे जॉस बटलर मिलेंगे, उसके अलावा रिद्धिमान शाह हैं, संजू सैमसन है, तो यही 3 खेल रहे हैं। उसके अलावा मैथ्यू वेड खेलते तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, के शिरकत भरत खेलते भी हैं तो मैं स्मॉल लीग में नहीं लूँगा, उसके अलावा के सिंह राठौर भी खेलेंगे तब भी मैं इनको स्मॉल लीग में नहीं लेने वाला हूँ, हालांकि अभी इनके चांसेस कम है। तो अभी जो खेलने वाले हैं उनमें बात करें तो यहाँ पर जॉस बटलर मस्ट पिक रहेंगे, इनको तो मैं लेके चलने वाला हूँ, और CVC के भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। उसके अलावा रिद्धिमान शाह आपको ओपनिंग पर दिखेंगे, प्लस विकेट कीपिंग कर रहे हैं अपनी टीम से, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन है, आप लोग इनको भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं इनको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इनका जो हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब है, तो फिलहाल के लिए मैं इनको नहीं ले रहा हूँ, हालांकि आप लेना चाहें तो बिल्कुल इनको ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए दोस्तों संजू सैमसन को लिया है, हालाँकि इनका भी हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, पर प्लेयर अच्छे हैं तो फिलहाल के लिए मैंने इनको लिया है। हालाँकि अगर आप लास्ट 2 मैच देखेंगे तो दोनों मैच में ये 0-0 पर आउट हुए हैं, पर प्लेयर अच्छे हैं, अपने टीम के कैप्टन हैं, तो मैंने एक बार फिर इनको फिर से बैक किया है, तो ये है। उसके अलावा आप लोग रिद्धिमान शाह को लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से बात करें तो सुमन गिल मस्ट पिक रहेंगे, हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी गजब का है,
तो मैंने यहाँ पे गिल को लिया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पे जायसवाल ऑप्शन है, हेटमायर ऑप्शन है, सुदर्शन का एक ऑप्शन है, डेविड मिलर। दोस्तों डेविड मिलर की बात करें तो इनका हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो अगर यहाँ पे गुजरात की टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो फिर हो सकता है मैं इनको अपनी टीम में लेके जाऊँ, क्योंकि इनका रिकॉर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फिलहाल के दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पर साई सुदर्शन को भी लेके चल रहा हूँ, और उसके अलावा मैं यहाँ पे डेविड मिलर को भी लेके चल रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि गुजरात की टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी, तो उस हिसाब से मैं अपनी टीम बना रहा हूँ। अगर यहाँ पे गुजरात की टीम चेसिंग करती है तो फिर मैं यहाँ पे उस केस में डेविड मिलर की जगह पर जायसवाल को भी लेके जा सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर मिलर को लिया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें देवदूत पेडिकल, तो इनका भी उतना अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है और रिसेंट फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इनको स्मॉल लीग में नहीं लूँगा। हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तेवतिया को बॉलिंग मिल नहीं रही है और बैटिंग भी काफ़ी नीचे आती है, तो मैं इनको उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसके अलावा जुरैल दोस्तों एक ठीक ठाक पिक है, पर इनको भी मैं स्मॉल लीग में नहीं लूँगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर रूट खेल जाते हैं तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं इनको, हालाँकि मौका नहीं मिला अभी तक। अगर मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बाकी अभी इनमें से सबके चांसेस कम है तो इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। अब यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में चलें तो रविचंद्रन अश्विन इंपॉर्टेंट रहेंगे सामने वाली टीम में देखेंगे तो, तीन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं और ये अगर इनका देखेंगे तो ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, तो उनको ये परेशान कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको मैंने लिया है। और इनको बैटिंग से भी प्रमोट किया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मैंने इनको यहाँ पर लिया है। हालाँकि दोस्तों इनका भी हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं रहा है, पर स्मॉल लीग में इनको लेके चलना ही सेफ रहेगा। उसके अलावा हार्दिक पांड्या, इनका भी हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी गजब का है और इस वेन्यू पर भी इन्होंने ठीक ठाक किया हुआ है, तो फिलहाल के दोस्तों मैंने इनको भी लिया है। हालांकि इनकी भी एक प्रॉब्लम रही है, रीसेंट फॉर्म इनका भी उतना अच्छा नहीं रहा है और ये बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं करा रहे, तो ये दोनों प्रॉब्लम है इनकी। तो फिलहाल के लिए तो मैंने इनको लिया है, पर हो सकता है मैं आफ्टर टॉस इनको ड्रॉप कर जाऊँ, वैसे इनको लेके चलना ही सेफ रहेगा, तो फिलहाल के लिए मैंने इनको लिया है। उसके अलावा जेसन होल्डर, इनका भी रिसेंट दोस्तों उतना अच्छा नहीं रहा है, हालांकि एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं और ये डेथ में बॉलिंग कराते हैं, हालांकि बॉलर क्या है ये ऑलराउंडर है तो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो दोस्तों ये भी एक अच्छे ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे होल्डर को भी लिया है, आप लोग चाहें तो इनकी जगह पे किसी और को भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा नीचे बात करें तो विजय शंकर खेलते हैं तो रिसेंट में काफ़ी अच्छा इनका फॉर्म रहा है, ट्राइबल ऑप्शन रहेंगे। दसुन सनाका अगर आ जाते हैं तो स्मॉल लीग के लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, हालांकि अभी चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी नीचे बात करें तो रियान पराग अभी ये लोग खेल नहीं रहे हैं, ओडन इसमें दोस्तों अगर आ जाते हैं तो स्मॉल लीग के लिए भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी हिटिंग भी करते हैं और अच्छी खासी बॉलिंग भी कराते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डी फरेरिया साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, पर इनको भी मौका अभी तक नहीं मिला है, तो इनके बारे में ज़्यादा बात अभी नहीं करते। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे राशिद खान मस्ट पिक, इनको तो लेके चलना ही है, रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा, बॉलिंग भी आपको करके देंगे, प्लस बैटिंग भी ये कर लेते तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा यजुवेंद्र चहल, दोनों का रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा किया है दोनों ने, तो मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए दोनों को लिया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें तो मोहम्मद शमी, आपके पास एक मोहम्मद शमी का ऑप्शन है, अलजारी जोसेफ का एक ऑप्शन है, जो अपनी टीम से दोनों के दोनों ये डेथ में बॉलिंग करा दें और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग दोनों को भी यहाँ पे लेके चल सकते हैं। उसके अलावा जसवाल लिटिल दोस्तों ये ट्रंप पिक बन सकते हैं, आप लोग इनको ट्राई करना चाहें तो स्मॉल लीग में भी कर सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे मोहित शर्मा है, इनको भी फिलहाल के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, हालाँकि दोस्तों ये भी एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं और अच्छे हैं, तो पर फिलहाल के लिए हम सबको तो नहीं ले सकते, तो इन लोगों को फिलहाल के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पर दोस्तों अलजारी जोसेफ के साथ जा रहा हूँ, जो एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं और अच्छे बॉलर हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको लिया। हालांकि समी भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है, समी को भी आप लोग लेके जा सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए जोसेफ को लिया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें तो नीचे यहाँ पे एस शर्मा, संदीप शर्मा दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, लास्ट मैच में ये डेथ में भी बॉलिंग करने आए थे और एक अच्छे बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, आप लोग ट्राई करना चाहें तो इनको भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम ओनली 11 प्लेयर ही ले सकते हैं, तो हम सबको तो नहीं ले सकते, तो इस वजह से मैं इन लोगों को नहीं ले पाया हूँ। हालांकि प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, एडम जैम्पा प्लेइंग 11 में आते हैं, एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं। कुलदीप सैन दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी गजब का रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे आरआर की टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराती है
तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और ये डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं। हालांकि लास्ट मैच में इनके 2 ओवर काट लिए गए, सिर्फ इनको 2 ही ओवर मिले, तो इस वजह से मैं इनको स्मॉल लीग में नहीं ले रहा हूँ। हालांकि विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनको आप लोग जीएल में जरूर ट्राई करना। और रीसेंट फॉर्म काफ़ी गजब का रहा है, वो मकोई खेल जाते तो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। हालांकि इनको भी अभी मौका मिला नहीं है, कुछ इंजरी की वजह से, शायद कुछ इंजरी है तो अभी ये मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे। बाकी यहाँ पर बात करें मावी सैनी, तो इनमें से दोस्तों जो भी खेलेगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें सीवीसी की, तो कैप्टन के लिए मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है, यहाँ पे मेरे कैप्टन तो बटलर ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पे वीसी की बात करें तो वीसी के आपके पास यहाँ पे गिल का एक ऑप्शन है जिनका हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, पर ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, इनकी ये एक प्रॉब्लम रही है। उसके अलावा दोस्तों राशिद खान, तो ये 3 आपके पास अच्छे ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने यहाँ पे अपना कैप्टन, तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे संजू सैमसन भी एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, आप लोग इनको भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इनका भी हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है और लास्ट 2 मैच से कुछ खास किया भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं यहाँ फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर सुमन गिल को वीसी कर रहा हूँ और कैप्टन मेरे यहाँ पर बटलर है। तो फिलहाल जो मेरी टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब दोस्तों अगर इस टीम में कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।